नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे आलू मेथी। भाई उसके लिए पहले हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल गरम हो गया है, उसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। जीरे के बाद उसमें लहसुन डालेंगे। उसके बाद हम कांदा डालेंगे। 2 प्याज लिया है मैंने काट के बारीक काट के। उसमें हरी मिर्ची डाल देंगे। आप जितना तीखा खाते हो उतना उस हिसाब से डालिए और इसको अच्छे से ब्राउन करेंगे। पूरा भी ब्राउन नहीं करना है हमें, थोड़ा सा नरम होना चाहिए कांदा। उसमें हम लोग 2 आलू डाल देंगे क्योंकि आलू के साथ प्याज ब्राउन हो जाता है। छोटे बारीक काट लिए मैंने आलू और इसको धीमी आंच ढक के रख के पकाएंगे 2-3 मिनट तक। 2 मिनट हो गए हैं, अभी इसको हम लोग खोल के देखेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे आलू के हिसाब से, और आप चाहे तो उसमें हल्दी डाल सकते हैं थोड़ी सी चुटकी भर। अभी भी थोड़ा आलू कच्चा है तो अभी फिर से इसको 2 मिनट तक ढक के रखते हैं। अभी हम खोल के देखेंगे आलू को अच्छे से पक गए ना। थोड़ी सी आप ये आप देखिए, धीमी आंच पे आलू पकाना है आपको। उसके बाद हम मेथी डालेंगे। छोटी गड्ढी लिया मैंने धोखे बारीक काट के उसको। अब मेथी डालने के बाद आपको ढक्कन नहीं रखना है, ये याद रखना। क्योंकि ढक्कन रखने से मेथी कड़वी हो जाती है। आपको इस पर तेज आंच करके पकाइए ज़रा देर में। तो मेथी डालने के बाद आपको थोड़ा सा और नमक डालना है मेथी के हिसाब से। पहले आलू के हिसाब से डाला था क्योंकि पहले डालने से आलू नमक खींच लेता है, फिर आलू खारे लगते हैं, इसलिए मैंने पहले आलू के हिसाब से डाला था, मेथी के हिसाब से डाला। आप चाहिए तो इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा धनिया पाउडर सब डाल सकते हैं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसको अच्छे थोड़ा देर में पकाएंगे। अब सब्ज़ी रेडी हो गई है, अब हम इसको सर्व करेंगे। दोस्तों गर्मा गर्म आलू मेथी तैयार है। आप एक बार ज़रूर बना के देखिए। आप मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। थैंक यू।